माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग फंगस और एल्गी, दो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक तो फंगस या कवक और एल्गी या शैवाल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कवक के बारे में, फंगाई या फंगस के बारे में। तो फंगाई या कवक, तो बच्चों ये अगर कहा जाए कि कवक या फंगस या फंगाई जो है वो किस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, किस प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, तो ये भी एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसकी जो है जो कोशिका होती है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके कोशिका या सेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यानी क्लोरोफिल लेस सेल वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसकी जो कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक, अब ऐसा मैं आपको टू दी पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल निम्नलिखित में कौन से सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लोरोफिल लेस होता है। ठीक, इससे पहले जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया की बात देखी थी, चाहे वो बैक्टीरिया की जब हम लोगों ने बात करी थी, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है। दूसरी बात ये कि सेल वॉल, आप सब जानते हो कि हम लोगों की कोशिकाओं में, एनिमल्स की कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन प्लांट्स में और फंगस या कवक की जो सेल होती है उसमें सेल वॉल पाई जाती है। अब जहाँ सेल वॉल पाई जाती है तो ये क्वेश्चन बनता है कि वो किससे बनी होती है, तो सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। ठीक, अब इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें कि कवक या फंगस जो है उसमें जो संचित भोजन या स्टोर फ्यूल होता है वो किसके रूप में होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है या संचित रहता है। ठीक, अब बात आती है कि फंगस या कवक कहाँ मिलते हैं, तो फंगस या कवक जो है हर उस जगह पे प्राप्त होते हैं जहाँ पर लिविंग या नॉन लिविंग सेल्स पाई जाती है, लिविंग या नॉन लिविंग सेल्स पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, स्वपोषी नहीं होते, ये परपोषी होते हैं। ठीक, तो अगर हम टाइप्स ऑफ फंगस की बात करें, टाइप्स ऑफ फंगाई की बात करें, ठीक है, अब इसमें अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आएगा, टाइप्स ऑफ फंगस या फंगाई, तो इसका जो विभाजन है वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के आधार पर फंगस को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है, तीन वर्गों में या तीन कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। पहला जो है उसे बोलते हैं सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट, ठीक, सेप्रोफाइट फंगस या मृतोपजीवी कवक, ठीक है, सेप्रोफाइट फंगस या मृतोपजीवी कवक। ठीक, अब सेप्रोफाइट फंगस या मृतोपजीवी कवक ऐसे फंगस जो नॉन लिविंग सेल्स पर निर्भर होते हैं, किस पर निर्भर होते हैं, नॉन लिविंग सेल या मृत कोशिकाओं पर निर्भर होते हैं, नॉन लिविंग सेल्स पर निर्भर होते हैं। अब अर्थात कैसे, ये कार्बनिक पदार्थों,
और अगर हम कहें मृत कार्बनिक पदार्थों, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, पदार्थों पर निर्भर, ठीक है। तो ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, जो डेड या नॉन लिविंग सेल्स वाले ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उन पर निर्भर रह के उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एनिमल की डेथ हो गई तो उसके बाद उसकी सेल्स क्या हो गई, नॉन लिविंग हो गई, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर है। अगर कोई पौधे का जो है वो उसको काट दिया गया, गिर गया, पत्तियां गिरी हुई हैं, सड़ गई, तो वो सब क्या है, वो किसके वजह से हो रहा है, सेप्रोफाइट फंगस के वजह से हो रहा है, ठीक है। तो मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे राइजोपस, पेनिसिलियम, और एक और एग्जांपल ईस्ट, बहुत फेमस है ईस्ट जो है, अभी आप देखेंगे कि बहुत सारा यूज है इसका, ठीक है। तो ये वो फंगस हैं जो नॉन लिविंग सेल्स पर या मृत कार्बनिक पदार्थों, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पर निर्भर होते हैं, यानी उसको डीकम्पोज करके, उसका अपघटन करके और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और इसीलिए इनको सेप्रोफाइट फंगस को जो है वो स्कैवेंजर्स ऑफ नेचर कहते हैं, प्रकृति का जमादार कहते हैं, ये प्रकृति की सफाई करते हैं। आपने बैक्टीरिया में भी देखा था, ऐसा बैक्टीरिया भी होता है, बट बैक्टीरिया कम होते हैं, फंगस ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि जो भी मृत कार्बनिक पदार्थ है, चाहे वो जीव जंतुओं वाला हो, चाहे वो पौधों वाला हो, उनको समाप्त करने में सबसे ज़्यादा 80-90% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो किसका है, सेफ्रोफाइट फंगस जैसे राइजोपस, पेनिसिलियम और ईस्ट जैसे कवक जो है, ऐसे बहुत सारे फंगस हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और इसीलिए जो है ये फंगस जो है इनको क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर्स ऑफ नेचर या प्रकृति का जमादार, क्योंकि ये प्रकृति की सफाई करते हैं। और इसीलिए देखिए प्रकृति में जो ये साइकिल है, ये प्रकृति का जो चक्र है, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, इसमें हर एक जीव का अपना अपना महत्व है, हर एक ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो बहुत बड़ा जीव हो और चाहे वो बहुत छोटा जीव हो, सभी का अपना अपना महत्व है, ठीक है। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ फंगाई या कवक के बारे में बात करते हैं, तो ये है पैरासाइट फंगाई या पैरासाइट फंगस। अब नाम से ही लग रहा होगा, ऐसे फंगस जो लिविंग सेल पर निर्भर हैं, लिविंग सेल्स पर निर्भर, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि जीवित कार्बनिक पदार्थों पर, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर्स पर निर्भर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रोग उत्पन्न करने वाले फंगस, रोग पैदा करने वाले फंगस इस कैटेगरी में आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एस्परजिलस, ठीक। एस्परजिलस जो है वो फंगस है जो अस्थमा या दमा का कारक है, ठीक। अब ये ह्यूमन में अस्थमा या दमा उत्पन्न करता है और अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, हमारी कोशिकाओं पर निर्भर है और अपना विकास करता है। ऐसा आपने बैक्टीरिया में भी देखा था कि बैक्टीरिया में भी जितने भी रोग उत्पन्न करने वाले हैं, चाहे वो प्लांट में रोग उत्पन्न करने वाले हों और चाहे वो एनिमल में रोग उत्पन्न करने वाले हों, वो सब क्या होते हैं, वो सब के सब पैरासाइट्स होते हैं जो किसी ना किसी जीव पर निर्भर रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात लिविंग सेल्स पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
अब कुछ कवक ऐसे होते हैं जिन जो सिम्बायोटिक होते हैं, सिम्बायोटिक फंगस, सहजीवी, जैसे आपने बैक्टीरिया में देखा था, सहजीवी या सिम्बायोटिक फंगस जो होते हैं, ये कवक प्लांट्स पर निर्भर होते हैं, प्लांट्स पर निर्भर, पौधों पर, एनिमल्स पर नहीं है, ये प्लांट्स पर, प्लांट्स के साथ ही ये रहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक उदाहरण है लाइकेन, लाइकेन बड़ा एग्जांपल है, ठीक। तो ये ऐसे फंगस होते हैं जो प्लांट के साथ ही डेवलप होते हैं, उसी में लिपटे हुए रहते हैं, उसको भी लाभ पहुंचाते हैं, उसको भी कोई न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं और अपना भी डेवलपमेंट या अपना भी विकास करते हैं, ठीक। तो अभी आपने देखा बच्चों, फंगस, टाइप्स ऑफ फंगस या कवक के प्रकार, और कवक के प्रकार या टाइप्स ऑफ फंगस की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि कैसे फंगस जो है वो तीन प्रकार के हैं, ठीक है, और इसके बारे में आपने जो डिटेल देखी, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इससे आगे हम बात करते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है। तो यूटिलिटी ऑफ फंगस या फंगस की उपयोगिता, ठीक, यूटिलिटी ऑफ फंगस। तो अब हम बात करते हैं यूटिलिटी की, उपयोगिता की। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें, उपयोगिता बताएं, तो देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली जैसे आपने कल या पिछले लेक्चर में आपने बैक्टीरिया का देखा था, तो उससे कम नहीं है फंगस की उपयोगिता। अब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट कि इस कार्य के लिए कौन से फंगस का प्रयोग होता है, इसके प्रोडक्शन में कौन से फंगस का प्रयोग होता है, या इस फंगस से किसका प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे पॉइंट पर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल इंडस्ट्री में, अल्कोहल इंडस्ट्री में जिस फंगस का या कवक का यूज होता है या प्रयोग होता है, तो अल्कोहल उद्योग या इंडस्ट्री में ईस्ट, ठीक है, ईस्ट का प्रयोग, अल्कोहल इंडस्ट्री या अल्कोहल उद्योग, अब अल्कोहल वाइन बनाने के काम आता है, अल्कोहल बहुत सारी मेडिसिंस में यूज किया जाता है, ठीक है, तो अल्कोहल के बहुत सारे उपयोग हैं, तो अल्कोहल बनाने में ईस्ट का प्रयोग, ईस्ट क्या है, अभी आपने देखा एक सेप्रोफाइट फंगस है, ठीक। अब दूसरा, सेकेंड, ब्रेड इंडस्ट्री में, ब्रेड उद्योग या ब्रेड के निर्माण में भी कह सकते हैं ईस्ट का प्रयोग, ब्रेड इंडस्ट्री में ईस्ट का प्रयोग, ठीक। अब तीसरा, पनीर या चीज इंडस्ट्री में, पनीर या चीज इंडस्ट्री में पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस का प्रयोग, पेनिसिलियम एवं एस्परजिलस का प्रयोग, ठीक है। अब आप देखते जाइए कि इसका उपयोग कितना है, ठीक। फोर्थ नंबर, मशरूम के रूप में एगारिकस कवक का प्रयोग, फंगस का प्रयोग, मशरूम बहुत फेमस है, वाइट कलर का मशरूम, मटर, अभी शादियों का सीजन आ रहा है, तमाम डिशेस बनेंगी,
तो उनमें किसका, अगारिकस फंगस जो है वही है मशरूम, उसका प्रयोग डायरेक्ट फूड के रूप में होता है। ठीक, तो अभी देखिए आप जो है कि आपने देखा अभी कुछ ही देर पहले ईस्ट जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स या नॉन लिविंग सेल्स पर पाया जाता है, उस पर निर्भर है, पेनिसिलियम भी उस पर पाया जाता है। अब जितने भी लोग, जितने भी कैंडिडेट्स अपने को प्योर वेज कहते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं बेटा अपने को शाकाहारी बोल दो चलेगा, शुद्ध शाकाहारी आप नहीं रह गए। अगर आपने ब्रेड खा लिया, अगर आपने अल्कोहल वाली किसी भी मेडिसिन का प्रयोग कर लिया, अगर आपने पनीर का प्रयोग कर लिया, तो इसका मतलब आपने ऐसे कवक वाले माध्यम का प्रयोग या फंगाई वाले, फंगस वाले माध्यम का प्रयोग किया है जो डेड या नॉन लिविंग सेल्स पर निर्भर होता है। ठीक, अब ये नहीं आप कह सकते हो कि हम जिस बेकरी से, हम जिस फैक्ट्री से यूज करते हैं सामान, वहां का ईस्ट प्लांट सेल पर निर्भर रहा होगा, वहां का पेनिसिलियम प्लांट सेल पर निर्भर रहा होगा। हो सकता है वो पेनिसिलियम एनिमल सेल पर निर्भर रहा हो, ठीक है, उसने एनिमल सेल से अपना फूड लिया हो, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ भी दावा नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी आपको ये दावा नहीं करना है, ठीक, कि हम प्योर वेज हैं या हम शुद्ध शाकाहारी हैं। ठीक, हाँ शाकाहारी ये बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग हो सकता है कह रहे हो राम 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 राम, क्या करें भाई, अब ऐसा है तो आपके सामने है, ठीक है। अब फंगस के और प्रयोग देखिए और यूज देखिए, एसिड के निर्माण में, एसिड के निर्माण में फंगस या कवक का प्रयोग, ठीक है, एसिड के निर्माण में फंगस या कवक का प्रयोग। और उसके एग्जाम्पल हैं मेरे पास, मैं वो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा लैक्टिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है लैक्टिक एसिड, ठीक, जो दूध में आमतौर पर मिलता है। लेकिन अब आप देखते होंगे छोटे बच्चों को लैक्टोजन दिया जाता है, ठीक, तो लैक्टिक एसिड का अगर निर्माण करना हो तो लैक्टिक एसिड के निर्माण में राइजोपस ओराइजी नामक कवक का प्रयोग किया जाता है, राइजोपस ओराइजी नाम के फंगस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये पहला एग्जाम्पल है एसिड का। दूसरा एक और आपको मैं बता रहा हूं, सिट्रिक एसिड, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, सिट्रिक एसिड के निर्माण में एस्परजिलस नाइग्रा का प्रयोग होता है, एस्परजिलस नाइग्रा नाम के फंगस का प्रयोग होता है, ठीक। अब बात करते हैं एक और एसिड को, एग्जाम्पल लेते हैं गैलिक एसिड, आपने नाम सुना होगा गैलिक एसिड, नहीं सुना है तो सुन लो, गैलिक एसिड के निर्माण में फ्यूजेरियम नामक कवक का प्रयोग होता है, फ्यूजेरियम, ठीक है, FUZERIUM, फ्यूजेरियम नामक कवक का प्रयोग। तो ये एसिड की बात हम लोगों ने की कि एसिड के निर्माण में कौन कौन से फंगस का प्रयोग किया जाता है, ये आपके सामने आया एसिड के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हम और क्या बन सकता है इससे, तो विटामिन। अब आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया फंगस विटामिन के निर्माण में, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन B12,
विटामिन B12 के निर्माण में फंगस का प्रयोग होता है, ठीक है, और विटामिन डी के निर्माण में फंगस का प्रयोग होता है, ठीक है, विटामिन B2 के निर्माण में फंगस का प्रयोग होता है, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पूछा गया कि डी के निर्माण में कौन से फंगस का, ईस्ट का प्रयोग होता है, ठीक। तो ऐसा उदाहरण, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। पहली बात, कौन से विटामिन के निर्माण में फंगस का प्रयोग, अब कौन से विटामिन के निर्माण किस फंगस का प्रयोग, ये भी आ गया। तो उसके लिए आपको एक उदाहरण दिया यहां पर, ठीक है। अब अगर हम बात करें बच्चों कि फंगस के और क्या उपयोग हैं, तो आपने बैक्टीरिया में देखा था कि बैक्टीरिया का प्रयोग तमाम प्रकार के एंटीबायोटिक्स के निर्माण में होता है, उसी तरह से फंगस का प्रयोग एंटीबायोटिक के निर्माण में, एंटीबायोटिक्स के फॉर्मेशन में या निर्माण में किया जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के फॉर्मेशन में किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, ठीक है, ये ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं। अभी नए एंटीबायोटिक्स भी जो कुछ बनाए जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक एंटीबायोटिक है सिट्रिनाइन, ठीक। अब तो ये सिट्रिजीन वगैरह में होता है, तो ऐसे एंटीबायोटिक्स के निर्माण में भी किसका प्रयोग होता है, फंगाई या कवक का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो अब आप देख रहे हैं बच्चों कि फंगस कितना इम्पॉर्टेंट है, फंगस हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप ये देख रहे हैं। अब अगर बात करें हम फंगस के हार्मफुल इफेक्ट्स की, तो हार्मफुल इफेक्ट्स जो फंगस डालता है वो क्या करता है, कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो हार्मफुल इफेक्ट्स या हानिकारक प्रभाव, ठीक। तो हानिकारक प्रभाव सबसे पहले तो ये रोग उत्पन्न करने, पहला रोग उत्पन्न करना किसमें, एनिमल्स में भी और प्लांट में, दोनों में। ऐसे फंगस जो जीवित कोशिकाओं पर निर्भर है, पैरासाइट्स हैं, आपको मैंने बताया था कि वो रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और ऐसे रोग उत्पन्न करने वाले जो फंगस है, अगर हम उनको देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन में अभी मैंने आपको बताया था एस्परजिलस, ये अस्थमा का कारक है, दमा का कारक है, बहुत ही संक्रमित करने वाला रोग, और ये उसका कारक होता है। ऐसे ही बहुत सारे जीवों में बहुत तरह के रोग इन्फेक्शन वाले। प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में बहुत से रोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाइट रस्ट, वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, इसको बोलते हैं सरसों का सफेद किट रोग। अब हम लोग प्लांट डिजीज अलग से देखेंगे, वहां हम आपको बताएंगे। तो व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, सरसों में सफेद किट रोग, उसी पत्तियां नष्ट होने लगती हैं, तो ये रोग जो है उसमें उत्पन्न होता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू जो है वो उस पूरी तरह से सूख जाता है, ठीक है। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ऐसे कई बीमारियां हैं जो फंगस के कारण होती हैं, ठीक है, कवक के कारण होती हैं, ठीक है, वो पौधों से संबंधित है। ब्लास्ट ऑफ राइस है, ठीक है, रेड रॉट ऑफ सुगर केन, रेड रॉट ऑफ सुगर केन, गन्ने में आपने देखा होगा बीच में लालपन हो गया, एक तो लाल गन्ना ही पूरा होता है, वो वैरायटी है उसकी, लेकिन अब हरा गन्ना है और उसमें जो है वो बीच में कहीं लाल सा हो गया, वो क्या है, वो फंगस है, वो फंगस है जो जिसके कारण वो बीमारी हुई है। रेड रॉट ऑफ सुगर केन, जब गन्ने वाले ने लगाया, रस निकालना शुरू किया,
तो अब जो भी गन्ने का रस पी रहा है वो फंगस का भी रस पी रहा है, अगर वो लाल वाला हिस्सा आया जिसने कहा आई एम प्योर वेज, ठीक है, तो वेज फंगस का रस पी रहा है, वेज फंगस का रस, ठीक है। अब राम 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 ऐसा बोल रहे होगे ना कुछ लोग, ठीक है। अब क्या करें, अब जो हो रहा है वो बता रहे हैं आपको, ऐसा रिकॉर्ड में है, ठीक है, तो बताना पड़ता है अभी, ठीक। अब अगर हम बात करें बच्चों यहां पर कि फंगस और क्या करता है, तो इसका दूसरा नुकसान जो है ये लकड़ी कागज चमड़े आदि को नष्ट करता है या खराब करता है, ठीक। और इन सब चीजों में जो कवक ज्यादातर होते हैं वो कौन होते हैं, एक तो अर्मीलेरिया है, अर्मीलेरिया, और दूसरा एस्परजिलस। अर्मीलेरिया और एस्परजिलस फंगस जो होते हैं वो लकड़ी, जैसे अर्मीलेरिया स्पेशली लकड़ी को, एस्परजिलस कागज चमड़ा, ठीक है, लेंस आदि, इन सब को प्रभावित कर देता है, ठीक। तो ये इनका हानिकारक प्रभाव है जो ये उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक खाने का, जैसे अचार, मुंह में पानी न लाओ, अचार, मुरब्बा, जेली आदि को खराब करते हैं। और ये स्पेशली एस्परजिलस होता है, राइजोपस होता है, यहां पे राइजोपस, ठीक। तो राइजोपस फंगस जो होता है, आपने देखा होगा खाने पीने की चीजों में व्हाइट व्हाइट सा ऊपर लग गया, ठीक। अब वो व्हाइट सा लग गया, बहुत लोग क्या करते हैं उसको ऊपर से निकाल लेते हैं फिर नीचे वाला खा लेते हैं, ठीक। और राइजोपस कौन सा कवक, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पर निर्भर होता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अगर अचार मुरब्बा कुछ नहीं, बहुत सारे अजीब टाइप के लोग होते हैं कि चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए, उसका अधिकांश भाग बचा लो, ठीक है, उस बचाने के चक्कर में वो क्या खाते हैं, राइजोपस, ठीक है। क्यों खाते हैं पता नहीं, फिलहाल ये है कि इसके कारण ये चीजें खराब हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे फंगस होते हैं या कवक होते हैं जो खाने के अंदर टॉक्सिन बनाने लगते हैं, जैसे एस्परजिलस कवक या फंगस जो है एफ्लोटॉक्सिन बनाता है। एफ्लोटॉक्सिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, टॉक्सिक कंपोजिशन है, कौन बनाता है, एस्परजिलस। तो अक्सर आपने सुना होगा कि शादी में या वहाँ पे कहीं जो है जहरीला खाना खाने से इतने लोग बीमार हुए, इतने लोग मर गए, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस होता है कि वो फंगल इन्फेक्शन हुआ है और जिससे एफ्लोटॉक्सिन नामक जहर बन गया और उसको खाने से लोग बीमार पड़ गए, ठीक है। अब उसका हाई इफेक्ट हुआ तो मर गए, ठीक है, अदरवाइज वो बीमार पड़े, ठीक। तो इसलिए जो है आप ऐसे भोजन के लिए, भोजन में भी ये खतरनाक होता है, ठीक है। और कवक या फंगस जो है वो अगर कहीं भी है तो वो डेंजरस हो सकता है, अगर वो नमी वाले स्थान पर है तो फिर जहाँ भी अगर गर्मी है नमी है तो ऐसे स्थान पर वो ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होता है और अक्सर ऐसे फूड को इन्फेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो बच्चों अभी तक आपने देखा फंगस के बारे में, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे रिलेटेड आपने देखा कि कितनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, कितना सारा उसका उपयोग भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए वो नाम पे, अगर कोई ऐसे सुनता है कि यार फंगस फंगाई कवक अरे यार ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, उसके कितने सारे उपयोग भी हैं और उन्हीं पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक। अब एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग डिस्कस करते हैं और उसका नाम है एल्गी या शैवाल। एल्गी या शैवाल,
ठीक है, तो एल्गी या सैवाल से रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं हम लोग। और साइंस के अंतर्गत भी आप एक कॉपी बना लें, और जो भी हम लोग बीच बीच में इस तरह से मिसलेनियस जो भी होंगे उनको हम लोग डिस्कस आगे करते रहेंगे। और कोई भी सेक्शन अगर स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम शुरू कर रहे हैं, तो कोई भी सेक्शन अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जो है ये आप ध्यान रखिए कि हम लोग जो है उसको वीडियो लेक्चर के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फिर भी हम वीडियो लेक्चर के द्वारा उसको कंप्लीट कर देंगे, एटलीस्ट उसको वहाँ पर अधूरा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप उसके लिए निश्चिंत रहें, और उसके लिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये अच्छी बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शैवाल की। तो देखिए, शैवाल या एल्गी अगर हम देखें तो फंगस में आपने देखा था कि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हेटरोट्रॉपिक होता है, परजीवी होता है, क्लोरोफिल लेस होता है। ठीक, और अगर हम शैवाल की बात करें एल्गी की तो जस्ट अपोजिट, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आत्मपोषी होता है, अपोजिट हो गया, आत्मपोषी यानी ऑटोट्रॉपिक होता है और क्लोरोफिल युक्त होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, तो ये बहुत बड़ी बात है इससे रिलेटेड कि इसके अंदर जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये ऐसा, तो अगर हम शैवाल की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा सूक्ष्म जीव, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्लोरोफिल युक्त होता है, क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है और इसकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, वहाँ काइटिन से बनी थी, यहाँ किससे बनी है, सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, प्लांट की तरह से सेलुलोज से बनी होती है, और ये ऑटोट्रॉपिक होता है, आत्मपोषी होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एल्गी, तो टाइप्स ऑफ एल्गी जो है या शैवाल के प्रकार, ये दो प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है, दो प्रकार से। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, निवास स्थल या हैबिटेट के आधार पर, निवास स्थल या बेसिस ऑफ कलर, रंग के आधार पर, हैबिटेट के आधार पर। अब जैसे फॉर एग्जांपल, हैबिटेट के आधार पर कैसे, जैसे एक्वाटिक एल्गी। ठीक है, एक्वाटिक एल्गी यानी जल में पाया जाने वाला, जल की सतह पर पाया जाना एक्वाटिक एल्गी। लीथोफाइट्स एग्जाम में पूछा गया है, लीथोफाइट्स चट्टान पर पाया जाने वाला, चट्टान पर, रॉक्स पर, चट्टान पर पाए जाने वाले लिथोफाइट की बात हमने की। ठीक है, एक और उदाहरण यहां पर लेते हैं, क्रिप्टोफाइट्स बर्फ पर पाए जाने वाला एल्गी, बर्फ पर, आइस वाले एरिया पर। ठीक है, जैसे आर्कटिक है, अंटार्कटिक है, ऐसे बर्फीले क्षेत्रों पर, पहाड़ों पर, तो बर्फीले पहाड़ों पर, बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाने वाला एल्गी क्रिप्टोफाइट, चट्टान पर लिथोफाइट। ये क्वेश्चंस में जो है इसको पूछा जाता है। और स्टडी अगर हम देखें कि स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं, एल्गी की स्टडी को जो है क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। तो फाइट्स से यहां पर मैंने उसको लिंक कर दिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर अगर हम बात करें, कलर के आधार पर अगर हम देखें कि एल्गी कैसे कैसे नाम दिए गए हैं, तो कलर के आधार पर अगर हम देखें तो एक बोला जाता है रोडोफाइट,
रोडो फाइट कौन सा एल्गी हुआ? रेड एल्गी, रेड एल्गी, लाल एल्गी को रोडोफाइट बोलते हैं, ठीक। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है फियोफाइट, फियोफाइट ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी को फियोफाइट कहते हैं, फियोफाइट ब्राउन एल्गी, ठीक है। क्लोरोफाइट, क्लोरोफाइट नाम से आप पकड़ लिया होगा आपने, ग्रीन एल्गी, क्लोरो जहां पे क्लोरोफिल ज्यादा होगा तो क्या होगा, ग्रीन होगा, हरा। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, इसका नाम ही कलर से है, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे अनाबिना, नो स्टॉक, ये सब ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ एल्गी, जैसे आपने अभी देखा कि कवक या फंगस किसके आधार पर विभाजित किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, न्यूट्रिशन के आधार पर, सिम्बायोटिक है कि नहीं है। आपने सेप्रोफाइट कहा, पैरासाइट कहा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब के सब ऑटोट्रॉपिक हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। बस अब इनका डिवीजन किसके आधार पर किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, अगर पानी में पाए गए एक्वाटिक एल्गी, अगर पत्थर पे पाए गए लिथोफाइट्स, अगर बर्फ पे पाए गए क्रिप्टोफाइट्स, अगर अब कलर्स के बेसिस पे आपने डिवीजन, अगर लाल रंग का है तो रोडोफाइट, हरे रंग का है क्लोरोफाइट, ठीक है, अगर ब्राउन रंग का है फियोफाइट, ठीक है, अदरवाइज ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ एल्गी। अब इससे आगे बढ़ते हैं और एल्गी या शैवाल की उपयोगिता देखते हैं, व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ एल्गी या शैवाल। तो आमतौर पर आप जानते हैं कि एल्गी की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, नहीं जानते तो आपको बता दे रहा हूँ मैं अभी, आप देखेंगे कि कितनी सारी उपयोगिता है। एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा जाना नहीं जाता, शायद बायोलॉजी वाले ही जानते हैं, क्योंकि वायरस के बारे में अब सबको पता है, चाहे वो बायोलॉजी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बैक्टीरिया के बारे में भी सबको पता है चाहे वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, और काफ़ी हद तक फंगस या कवक के बारे में भी लोगों को पता होता है, क्योंकि सबके यहाँ अचार, मुरब्बा और कपड़े लकड़ी के सामान ये सब खराब होते हैं, तो जब होता है अरे यार ये फंगस लग गया, कवक लग गया, बैक्टीरिया वैक्टीरिया नहीं बोलते, तो ऐसे में इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाने पहचाने हैं, बट एल्गी शैवाल ये बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि सामना ऐसा होता है कि हमें एकदम दिखता रहता है, आपको फंगस बहुत कम दिखेगा, ठीक है, आपको जो है बैक्टीरिया वायरस तो दिखेगा ही नहीं, वो तो देख ही नहीं सकते आप, लेकिन एल्गी अभी कहीं बारिश हो गई और कहीं काई जम गई तो शैवाल ही शैवाल दिख रही है, तो फिर भी उसको कम जाना जाता है, लेकिन उपयोगिता अभी आप देखेंगे तो ये फंगस से कम उपयोगी नहीं है, बैक्टीरिया से कम उपयोगी नहीं है। अगर हम पहली उपयोगिता की बात करें, फर्स्ट इसकी उपयोगिता, तो एक शैवाल है जो एक पदार्थ है, सॉरी एलिजन, तो एलिजन नामक पदार्थ का प्रयोग, एलिजन किससे प्राप्त किया जाता है, शैवाल से, एल्गी से प्राप्त किया जाता है, तो एल्गी से प्राप्त एलिजन नामक पदार्थ का प्रयोग टाइपराइटर, फिल्म, टाइपराइटर रोलर बोलेंगे, फिल्म आदि के निर्माण में किया जाता है, फिल्म आदि के निर्माण में किया जाता है, टाइपराइटर, फिल्म आदि के निर्माण में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है, ठीक। अब हम दूसरा महत्वपूर्ण प्रयोग देखें तो कैरोजेनिन पदार्थ का प्रयोग
कैरोजेनिन पदार्थ का प्रयोग कॉस्मेटिक्स, शैम्पू और शू पॉलिश आदि में किया जाता है। ठीक है, कैरोजेनिन नामक पदार्थ का प्रयोग कॉस्मेटिक्स, जितने भी पाउडर क्रीम हैं, ठीक है, बॉडी से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड, ऐसे कॉस्मेटिक्स में, शैम्पू में और शू पॉलिश आदि में प्रयोग इसका किया जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि कैरोजेनिन जो है वो कैराड्रस, एक एल्गी होता है जिसका नाम है कैराड्रस। तो कैराड्रस शैवाल से या कैराड्रस एल्गी से प्राप्त किया जाता है क्या, कैरोजेनिन। और कैरोजेनिन का प्रयोग कॉस्मेटिक्स में, शैम्पू और शू पॉलिश के निर्माण में किया जाता है। ठीक, तो अब आप देखिए कि किस तरह के उपयोग हैं जो सामान्य रूप से हम यूज़ करते तो हैं बट ये है कि हमें उसका पता नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर पदार्थ का प्रयोग जैम जेली आइसक्रीम, मुंह में पानी आ रहा होगा, आइसक्रीम, सॉस या चटनी, सूप, चटनी या सॉस आदि के निर्माण में। ठीक है, अगर आपने अभी देखा था कुछ देर पहले रोडोफाइट जो रेड एल्गी होती है, उसी रेड एल्गी से अगार नामक एक पदार्थ प्राप्त किया जाता है और उस अगार का प्रयोग जैम जैली, ठीक है, जो आप देखते हैं जैम जैली, आइसक्रीम, ठीक है, इन सब सूप या फिर सॉस या चटनी आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसे अगार जेलिडियम या जो है ऐसी चीज़ें प्राप्त की जाती हैं और उसका प्रयोग जो है इनके निर्माण में किया जाता है। ठीक है, कुछ एल्गी का प्रयोग एसिड के प्रोडक्शन में, या अगर हम कहें कि बहुत उपयोगी अम्लों के प्रयोग में किया जाता है, उपयोग उत्पादन में, जैसे आयोडीन और ब्रोमीन। ठीक है, आयोडीन और ब्रोमीन बहुत इम्पॉर्टेंट है और आयोडीन ब्रोमीन के उत्पादन में, प्रोडक्शन में लैमिनेरिया नाम के शैवाल का प्रयोग किया जाता है। लैमिनेरिया नाम के शैवाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसके, आयोडीन और ब्रोमीन के प्रोडक्शन में, आयोडीन और ब्रोमीन के प्रोडक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कई स्थानों पर एल्गी का प्रयोग फूड के रूप में, भोजन के रूप में किया जाता है, जैसे अलवा समुद्री सलाद है। ठीक है, समुद्री सलाद, इसका प्रयोग जो है वो सी सैलेड के रूप में, ठीक है, खाने में इसका प्रयोग डायरेक्टली किया जाता है। ठीक, एल्गी का प्रयोग एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किया जाता है, कृषि में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसका, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ठीक है, नील हरित शैवाल का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में किया जाता है। अब आप
सोच रहे होंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ से आ गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहाँ से आ गया, तो देखिए प्रकृति में सबसे ज़्यादा 78% क्या है, नाइट्रोजन है। पौधों को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट रिसीव नहीं कर सकते। अब पौधों को सबसे ज़्यादा उपयोगिता किसकी है, नाइट्रोजन की। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ये मिट्टी में पाया जाता है और ये प्रकृति की नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, उसे नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देता है जो पानी के साथ पौधा ग्रहण कर लेता है और इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कहा गया है कि अगर एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो धान का खेत है स्पेशली उसमें जो है अगर ब्लू ग्रीन एल्गी है, एक वर्ग किलोमीटर का एरिया है उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी है, धान का खेत है, उसको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, तो एक वर्ष में वो लगभग 625 किलोग्राम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है, 625 किलोग्राम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके और उसे पौधे तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब इसके अलावा शैवाल, आप सोच रहे होंगे यार कितना प्रयोग है इसका, तो बहुत सारा प्रयोग है। एक नाइट्रेला और एक कारा, ये दो एल्गी होते हैं, नाइट्रेला और कारा, ये दो एल्गी का प्रयोग पता है मलेरिया के इलाज में किया जाता है, यानी मेडिसिन में भी एल्गी का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रेला और कारा नामक एल्गी या शैवाल का प्रयोग मेडिसिन के रूप में किया जाता है, किसके मेडिसिन के रूप में, मलेरिया के मेडिसिन के रूप में। एल्गी का प्रयोग इसके अलावा एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी किया जाता है। एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में क्लोरेला, क्लोरेला एल्गी का प्रयोग या शैवाल का प्रयोग क्लोरीन के निर्माण में, जो क्लोरीन एंटीबायोटिक्स है और उसका कंपोजिशन वाली जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं उसके निर्माण में किया जाता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि चाहे बैक्टीरिया हो या फिर फंगस हो या एल्गी है, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बहुत सारे उपयोग हैं, इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एल्गी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट डिजीज हैं जो इससे होती हैं, जैसे रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ टी यानी चाय की पत्तियों में जो है ये रोग होता है। ठीक, और इसके कारण जो है अगर हम सामान्य प्रभाव की बात करें तो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो पानी को प्रदूषित कर देते हैं, पानी को जहरीला बना जाते हैं जिससे मछलियाँ तक मर जाती हैं। ठीक है, बहुत ही डेंजरस एल्गी होते हैं और जो है ये पानी को जहरीला बना देते हैं। सामान्य रूप से हम एल्गी का हार्मफुल इफ़ेक्ट देखते हैं जब फिसलन हो जाती है बारिश के दिनों में, ब्लू ग्रीन एल्गी, और फिसल के गिर जाते हैं, कई बार हड्डियाँ वड्डियाँ टूट जाती हैं, तो सामान्य इफ़ेक्ट के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 लेक्चर आपका कम्प्लीट हुआ और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम से आप 1 और 2 है जो आप इसको संकलित कर लीजिएगा, और ऐसे साइंस के जो मिसलेनियस सेक्शन हैं मैं किसी एक चैप्टर सिस्टम से नहीं चल रहा हूँ, यहाँ पर मैं साइंस के कुछ मिसलेनियस सेक्शंस के वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और आगे जब हम लोग क्लासेस में आएंगे तो फिर क्लास सिस्टम में उसको हम आगे जो हमारे सब्जेक्ट की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी हम ऐसे टॉपिक्स को, कॉमन टॉपिक्स को ले रहे हैं जो सभी प्रकार के कंपटीशन में आपके लिए लाभकारी हो, आपके लिए फायदेमंद हो। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आप अपने को सेफ रखिए और बस आप अपनी तैयारी है उसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई मत करिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बच्चों।